तो गाइस अगर तुम एनिमे देखते हो तुमने वन पीस जरूर देखा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर के बारे में। मैं पहले एक बात कंफर्म कर दूं, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर के बारे में बात करो, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यह मैं बात कर रहा हूं द कैप्टन ऑफ बीस्ट पायरेट्स आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन वन पीस। इन वन पीस सीरीज में हमें पता चला है जो काइडो है वो 18 बार कैप्चर और 8 बार डिफीट हुआ मरीन और योंको से। तो आज हम बात करने वाला है योंकोस की, कि कौन से योंको है जिन्होंने काइडो को हराया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिग मॉम की। इन वानो आर्क में पता चला है जब बिग मॉम और काइडो की लड़ाई हो रही है तो बिग मॉम कहती है काइडो को कि सो मैनी डेकेड्स बाद मिले, तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो बिग मॉम है उसने काइडो को नहीं हराया है। अब बात करते हैं व्हाइट बियर्ड की। व्हाइट बियर्ड अटैक करना चाहता था काइडो पे लेकिन वो नहीं करता है बिकॉज ऑफ कैजुअल्टी, इस कारण वो ओडिन का बदला भी नहीं ले पाता है। तो अब बचा हमारे पास जो लास्ट योंको बचा है वो शैंक्स, तो ये प्रोबेबली शैंक हो सकता है जिसने 8 बार काइडो को डिफीट किया है।